हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बाइकोपीडिया। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अमन। गाइस, आज मैं आया हूं प्योर ईवी इलेक्ट्रिक कंपनी के एलिगेंट ऑटोमोबाइल्स शोरूम पे, जिसका आज ही इनॉग्रेशन हुआ है। एंड यहां पे मैं सभी गाड़ियों का एक स्मॉल वॉक अराउंड लेने वाला हूं, शोरूम के बारे में बताने वाला हूं, एंड द्वारका में सेक्टर 5 में कहां ये शोरूम लोकेटेड है इसके बारे में मैं पूरी बात करने वाला हूं। गाइस, कंप्लीट एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में विद कॉन्टैक्ट नंबर हम लोग आपको देने वाले हैं। इसी के साथ यहाँ पे मैं कुछ गाड़ियाँ हैं जो कि मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ गाइज, एक स्मॉल वॉक अराउंड के साथ, एंड साथ ही साथ यहाँ का जो कंप्लीट शोरूम है ये हम लोग एक बार देख लेते हैं। गाइज, ये है प्योर ईवी ई प्लूटो 7G, जो कि 120 किलोमीटर्स तक का रेंज कवर करवाती है ओनली 3 यूनिट्स ऑफ कंजप्शन में। इस गाड़ी के बारे में बात करेंगे गाइज कंप्लीट, एक स्मॉल मैं आपको इसका एक छोटा सा वॉक अराउंड देने वाला हूँ, सभी इसके स्पेसिफिकेशन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ और भी गाड़ियाँ देखेंगे यहाँ पे। तो गाइस, जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, कलर ऑप्शन सारे अवेलेबल हैं, आपको कलर की तो कोई भी कमी यहाँ पे महसूस नहीं होने वाली है। तो चलिए साथ ही साथ हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ गाड़ियों के वॉक अराउंड्स के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले इस गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं, ये है प्योर ईवी प्लूटो। ये गाइस, ये गाड़ी अपने लो स्पीड सेगमेंट में आती है। इस सेगमेंट में दो गाड़ियाँ आती है गाइस, एक लो स्पीड आती है एंड एक हाई स्पीड आती है। इसकी पहचान आप सिंपली कर सकते हो, जिसमें नंबर प्लेट आगे नहीं लगी हुई है, ये लो स्पीड है। एंड सबसे बड़ी बात, यहाँ पे आपको ई प्लूटो का लोगो लगा हुआ है, और साथ ही साथ मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ई प्लूटो 7G की बैजिंग दी हुई है। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पे नंबर प्लेट के भी ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो गाइज, ये तो हुआ एक छोटा सा सिंपल सा फंडा जो अपन की देख सकते हैं कि गाड़ी कौन सी है। इसी के साथ, जैसा कि आपने देखा होगा कि गाड़ियों में कुछ खास फर्क नहीं देखने के लिए मिल रहा है, तो मेन स्पेसिफिकेशन, इंटरनल स्पेसिफिकेशन में क्या चेंजेस है वो मैं आप लोग बता देता हूँ। गाइज, ये गाड़ी लो स्पीड में होने के साथ साथ यहाँ पे आप लोगों को इस गाड़ी की स्पीड मिलती है 35 किलोमीटर पर आवर की, जिसमें 3 डिफरेंट मोड्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो गाइस, ये इसके 3 डिफरेंट मोड्स हैं। फर्स्ट मोड में ये गाड़ी कवर करेगी आपको 15 से 20 किलोमीटर तक की स्पीड, सेकंड मोड पे कवर करेगी 20 से 25 किलोमीटर की, एंड थर्ड मोड पे कवर करती है 30 से 35 की। तो गाइस, ये इसकी स्पीड है, एंड इसी के साथ साथ रेंज इस गाड़ी का 75 से 80 किलोमीटर इस गाड़ी का रेंज बताया जाता है। एंड इसी के साथ साथ काफ़ी अच्छा कवरेज मिल रहा है इसमें। तो जैसा कि मैं स्पेसिफिकेशन की बात कर लेता हूँ गाइस, क्या क्या चीज़ें सेम है वो मैं बता दूंगा। यहाँ पे आप लोगों को टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के साथ साथ जो ट्यूबलेस टायर मिल रहा है, ट्यूबलेस टायर में अलॉय व्हील एंड डिस्क ब्रेक, सेम चीज़ आपको यहाँ पे इस गाड़ी में भी देखने के लिए मिल जाएगी। जैसा कि ये हाई स्पीड मॉडल है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें भी सेम वही टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, डिस्क ब्रेक, अलॉय व्हील, ट्यूबलेस टायर। तो ये हो गया अपना हाई स्पीड। तो गाइस, लो स्पीड के साथ साथ कंपेयर करते हुए मैं आपको हाई स्पीड भी दिखा देता हूँ। हाई स्पीड के अंदर भी 3 मोड्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। तीनों मोड्स को आपको, फर्स्ट मोड पे आपको 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मिल जाती है, सेकंड मोड पे 45 की, एंड थर्ड मोड पे 55 से 60 की। तो गाइस, ये इसका स्पीड पैटर्न है, कौन से मोड पे क्या स्पीड मिलने वाली है, इसी के साथ साथ कौन से मोड पे क्या एवरेज मिलने वाला है, क्या रेंज मिलने वाली है, इसके ऊपर मैं बात कर लेता हूँ साथ में। यहाँ पे आप लोगों को गाइज, ये गाड़ी आराम से 90 से लेके 120 किलोमीटर तक का कंपनी माइलेज क्लेम करती है, यानी कि रेंज क्लेम करती है। एंड ये आपको ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो ओवरऑल जो राइड रिव्यूज सब लोगों के आ रहे हैं, कंप्लीट एक्सपीरियंस जो सामने आ रहा है, वो 100 से 120 किलोमीटर तक आ रहा है। तो गाइज, ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देखने के लिए यहाँ पे मिल जाता है अपने को इस गाड़ी के साथ। ई प्लूटो 7G गाइज इस गाड़ी का नाम है, जिसका मोटर का पीक पावर मैं आपको बताना चाहूँगा। मोटर का पीक पावर इस गाड़ी के अंदर 1.5 किलोवाट नॉमिनल पावर है, और जो इस गाड़ी का पीक पावर है मोटर का, वो है 2.2 किलोवाट का। तो गाइस, BLDC हब मोटर यहाँ पे दी हुई है। इसी के साथ बात कर लेते हैं इसके बैटरी सेक्शन की। बैटरी सेक्शन हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं, इसका बूट ओपन कर लेते हैं। तो गाइस, जो बैटरी सेक्शन अपन यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आपको पूरा कंप्लीट बैटरी सेक्शन मिल जाता है। एंड यहाँ पे इसको
ट्रिप करने यहाँ पे इसको एमसीबी का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है ताकि आप इसको इजीली रिमूव कर सकें विदाउट एनी रिस्क। तो यहाँ से आप गाइज इसको इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो गाइज ये बैटरी जो है ये प्योर ईवी कंपनी की खुद की मैन्युफैक्चर्ड बैटरी है। तो गाइज ये चीज़ काफ़ी सही है इसके अंदर, जस्ट बिकॉज आप कोई सी भी कंपनी के व्हीकल परचेज करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करते हैं, सबके साथ यही इशू होता है कि जैसे ही बैटरी में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो उनको रिप्लेस करवानी पड़ती है। यहाँ पे गाइज रिप्लेस की बात नहीं है, यहाँ पे सिंपल सा पॉइंट है, अगर आपकी बैटरी में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो वो रिपेयरेबल है। रिपेयर होने के साथ साथ, क्योंकि गाइज रिपेयरेबल वो इसलिए है क्योंकि कंपनी की खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। अगर कंपनी के साथ प्रॉब्लम कुछ भी आती है आपको इस बैटरी के साथ, तो गाइज जहाँ की प्रॉब्लम है वहीं पे इसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो ये चीज़ काफ़ी सही है इसके अंदर। तो इसको हम वापस से कनेक्ट कर देते हैं। 2.5 किलोवाट का बैटरी पावर है इसके अंदर, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। 2.5 किलोवाट का बैटरी है इसमें, जो कि आपको ईजिली 100 से 120 किलोमीटर तक का रेंज कवर करवा सकता है। एंड इसी के साथ गाइस जो लुक इस गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिल रहा है आपको, काफी अट्रैक्टिव लुक है इस गाड़ी का, ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। साथ ही साथ पीछे की अगर मैं बात करूँ तो पीछे की साइड में आपको ड्रम ब्रेक्स यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे, ड्रम ब्रेक्स के साथ। और जो मोटर है गाइज इसकी वो इसी में पीछे के टायर में ही इनबिल्ट है। यहाँ से कवर अप के लिए आप लोगों को यहाँ पे कवर लिया दिया हुआ है। एंड इसी के साथ यहाँ पे प्योर ईवी की ब्रांडिंग बैजिंग लगी हुई है, तो ये भी काफ़ी अच्छा लुक दे रही है। बात कर लेते हैं इसके पीछे की साइड से, तो गाइज इसका रियर लुक भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। इसमें टेल लाइट सेटअप दिया हुआ है, उसी के साथ साथ इसके इंडिकेटर्स लगे हुए हैं, स्ट्रॉन्ग ग्रेबरेल सेटअप दिया हुआ है। चाबियों की अगर मैं बात करूं तो गाइस चाबियां यहां पे आप लोगों को चार चाबियां देखने के लिए मिल जाती है विद स्मार्ट एंटी थेफ्ट लॉक। एंटी थेफ्ट लॉक के बारे में अगर अपन बात करें तो गाइस इसके अंदर आपको तीन बटन देखने के लिए मिल रहे हैं, फर्स्ट लॉक, सेकेंड अनलॉक, थर्ड ये पैनिक मोड होता है। पैनिक मोड आप कहीं पे भी गाड़ी पार्क करते हैं तो गाइस आपको पता ही होता है कि कई बार गाड़ी मिलती नहीं है, तो जैसे ही आप इसको एक बार पुश करेंगे तो आपकी गाड़ी कहीं पे भी होगी वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी कहाँ पे आपकी गाड़ी खड़ी है। एंड इसी के साथ साथ जैसे ही अगर आप इसको डबल प्रेस करते हैं तो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डबल प्रेस करने से इसका इग्निशन स्टार्ट हो चुका है, यानी कि गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी दी हुई है इसके अंदर। और यहाँ से अगर मैं इसको अनलॉक कर देता हूँ तो ये गाड़ी ऑफ हो जाती है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी दे रखी है इसके अंदर, काफ़ी स्मार्ट फीचर दे रखे हैं। एंड इसी के साथ गाइस मैं एक चीज़ और इसमें बताना चाहूँगा, जैसे इस गाड़ी को अगर आप लॉक कर देते हैं, लॉक करने के बाद अगर कोई गाड़ी का टायर, जैसे मान लीजिए अगर कोई गाड़ी को छेड़ता है या फिर कुछ भी करता है, गाड़ी को ड्रैग करने की भी कोशिश करता है, तो गाइस इसका टायर जो है, टायर सेटअप जो होता है इसका, वो कम्प्लीटली लॉक हो जाता है। तो मतलब ये टायर को ब्लॉक करने वाला जो सिस्टम है गाइस, ये चीज़ काफ़ी यूनिक है एंड ये चीज़ आपको काफ़ी कम जगह देखने को मिल जाएगी। और ये काफ़ी प्रीमियम एक प्रीमियम ऑप्शन हो गया अपने पास। तो चलिए चाबी को वापस से लगा देते हैं और चलते हैं हमारी ई-ट्रांस नियो की तरफ। तो गाइस अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ई-ट्रांस नियो के बारे में, जो कि काफी मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट इनका है। एंड गाइस प्योर ईवी में काफी एक अच्छा गिफ्ट मैं कहूंगा इस गाड़ी को, क्योंकि काफी डिमांडेड गाड़ी है ये। एंड जैसा कि मैं आपको यहाँ पे एक स्मॉल वॉक अराउंड इस गाड़ी का दे देता हूँ, ई-ट्रांस नियो की बैजिंग यहाँ पे दे रखी है दोनों ही साइड पे। स्पोर्ट्स लुक स्कूटर ये देखने के लिए लग रहा है एकदम, मतलब बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो बिल्ड क्वालिटी भी काफी स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड दी हुई है, काफी सही एकदम क्वालिटी इसमें मेंटेन की हुई है। बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में, तो जैसा कि अपन देख पा रहे हैं गाइस यहाँ पे ट्यूबलेस टायर के साथ साथ अलॉय व्हील सेटअप एंड अलॉय व्हील के साथ यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक सेटअप, वो भी प्योर ईवी की ब्रांड बैजिंग के साथ और टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के साथ। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। साथ ही साथ बात कर लेते हैं इसके फ्रंट सेटअप के बारे में, जो कि लाइटिंग सेटअप के बारे में बात करने वाला हूँ मैं। तो गाइस यहाँ पे आपको हेडलाइट्स, आपको एलईडी मिल जाती है, एलईडी हेडलाइट्स के साथ साथ यहाँ पे इंडिकेटर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, या नंबर प्लेट प्लेसिंग के ऑप्शन है। एंड दोनों ही साइड पे काफ़ी स्पोर्ट्स लुक को आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे साइड मिरर्स दे रखे हैं। तो गाइस जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताता हूँ, साइड मिरर्स होने गाड़ी में बहुत ही कंपलसरी सी चीज़ है, तो आप प्लीज़ इसको स्किप मत कीजिए।
ये आपका मीटर कंसोल यहाँ पे दिया हुआ है। क्या क्या ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं एक बार देख लेते हैं। DRL एंड हेडलाइट्स को ऑन करने का सिस्टम है यहाँ पे। यहाँ पे आपको हॉर्न स्विच देखने के लिए मिल जाता है। स्मार्ट एकदम स्मूथ थ्रॉटल है। ये ब्रेक हो गए, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड मोड हो गया एंड पार्किंग बटन हो गया। पार्किंग बटन को मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, पार्किंग बटन किस तरह से काम करता है इस गाड़ी के अंदर ना। यहाँ पे पी मोड जैसा कि आप देख पा रहे हो, तो जैसे कि मैं जितना भी इस गाड़ी को थ्रॉटल दूँ ना, ये गाड़ी नहीं चलने वाली। जैसे कि आपने कई गाड़ियों में देखा होगा, क्योंकि इसमें इग्निशन की कोई आवाज़ नहीं होती, कोई इंजन की आवाज़ नहीं होती, तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही गाड़ी को आप इग्निशन ऑन करते हो और थ्रॉटल देते हो तो गाड़ी आगे चली जाती है। बट इसके अंदर यहाँ पे पार्किंग मोड दिया हुआ है। पार्किंग मोड के साथ साथ यहाँ पे गाड़ी का ये सेफ्टी फीचर है। तो पार्किंग मोड हटाने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले या तो पार्किंग बटन हटा सकते हो, पार्किंग बटन प्रेस कर सकते हो, और या फिर कोई सा भी एक ब्रेक लीवर दबा सकते हो। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, अब ये गाड़ी मूवेबल है। तो ये चीज़ इसके अंदर सेफ्टी पर्पज़ के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ दे रखी है। एंड यही चीज़ आपको दोनों ही गाड़ियों में, जो कि स्पीड मॉडल्स हैं इसके, हाई स्पीड मॉडल्स में, दोनों में ही देखने के लिए मिल जाएगी। इनफैक्ट प्योर ईवी की सभी गाड़ियों में आपको ये पार्किंग बटन देखने के लिए मिल जाएगा। तीन स्मार्ट मोड इसमें दे रखे हैं सभी गाड़ियों में। तो गाइज ये चीज़ काफ़ी सही लग रही है इसके अंदर। एंड इसी के साथ साथ बात कर लेते हैं इसकी चाबियों के बारे में। चाबी यहाँ पे दो दे रखी है और प्योर ईवी की बैजिंग के साथ यहाँ पे रिमोट सेटअप दे रखा है, जिनमें दो बटन है लॉक एंड अनलॉक के। स्मार्ट स्कूटर एक तरह से लग रहा है ये काफ़ी हद तक। एंड बात कर लेते हैं इसके बूट स्पेस के बारे में। तो जैसा कि इसमें बूट स्पेस है, बूट स्पेस को थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट मिलने वाला है आगे जाकर। तो यहाँ पे बैटरी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। 2.5 किलोवाट का इसका बैटरी दिया हुआ है, जो कि आपको वही सेम जैसा कि मैंने आपको उस गाड़ी में बताया था प्योर ईवी ई प्लूटो 7G में। यहाँ पर आपको MCB स्विच देखने के लिए मिल जाता है। फिर उसके बाद आप इसको बैटरी निकाल सकते हो, ऐसे करके रिमूव कर सकते हो। यहाँ से बेल्ट हटा के आप इजीली यहाँ पे इसका प्लग आउट करके और बैटरी को निकाल सकते हो। तो गाइस करीब अप्रॉक्सीमेट अगर मैं बताऊँ तो 15 से 17 किलो की इसकी बैटरी होने वाली है। तो काफ़ी मजबूती से इस गाड़ी को डिज़ाइन किया हुआ है। इसकी बैटरी काफ़ी, जैसा कि आपने जानते ही हैं कि ये इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है। कुशनिंग की अगर मैं बात करूँ तो गाइस काफ़ी अच्छी स्मार्ट, काफ़ी अच्छी कुशनिंग इसमें दी हुई है, काफ़ी सॉफ्ट है। साथ ही साथ बात कर लेते हैं गाइस इसकी बैटरी के, इसकी मोटर के बारे में। तो गाइस मोटर इसमें 1.5 किलोवाट का मोटर दिया हुआ है, जिसका पीक पावर जाता है 2.2 किलोवाट तक का। ड्रम ब्रेकिंग सेटअप इसमें पीछे देखने के लिए मिल जाता है, जो कि काफ़ी एडवांस लेवल होता है गाइस, क्योंकि इसके अंदर रीजेनरेटिव ब्रेकिंग एक ऑप्शन है जो इसके अंदर दिया हुआ है। तो गाइज उम्मीद करता हूँ ये गाड़ी आपको पसंद आई होगी। स्मार्ट स्पोर्ट्स लुक ये स्कूटर है। तो चलिए गाइज अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ओवरऑल प्रोडक्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पे दो हाई स्पीड एंड दो लो स्पीड स्कूटर्स अवेलेबल रहते हैं। दोनों हाई स्पीड एंड दोनों लो स्पीड में आपको दोनों ही दिखा देता हूँ किस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं। तो गाइज ये सबसे पहले ई प्लूटो व्हीकल है। ये लो स्पीड में आता है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड आती है 35 किलोमीटर पर आवर। एंड इसी के साथ साथ सेम स्कूटर आता है गाइज ई प्लूटो 7G, जिसकी स्पीड आती है गाइज 60 किलोमीटर पर आवर। अब इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं ये मैंने आपको वीडियो में दिखाई दिए हैं। एंड इसी के साथ साथ बात कर लेता हूँ दूसरे प्रोडक्ट की। तो दूसरा प्रोडक्ट है गाइज ये ई ट्रांस नियो। तो गाइज ये ई ट्रांस नियो है, जो कि आप देख पा रहे हैं ये हाई स्पीड में आता है, जिसकी स्पीड मैक्सिमम स्पीड होती है 60 किलोमीटर पर आवर की। एंड इसी के साथ गाइज दूसरा प्रोडक्ट अब भी एज ऑफ नाउ यहाँ पे अभी जस्ट थोड़ी देर पहले सेल हुआ है, तो गाइज वो आता है ई ट्रांस नियो की जगह यहाँ पे प्लस का साइन आता है। तो वो एक चीज़ होती है, वो एक मेन डिफरेंशिएट क्रिएट करता है। एंड उसका स्पीड सेम इसी की तरह होता है, यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आपको मिल जाती है। एंड उसके बाद ई ट्रांस प्लस में आपको 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड देखने के लिए मिल जाती है। तो गाइज मेन डिफरेंस यहाँ पे यही है। तो उसके बाद जो इंटरनल स्पेसिफिकेशंस होती है, लाइक बैटरी, मोटर एंड कंट्रोलर, तो वो सारी ही चीज़ें मैंने आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ बताई है। तो गाइज जैसे कि आप लोगों से अभी तक मैंने पूरे शोरूम का इंटरेक्शन करवाया एंड उसके साथ साथ मैंने सभी व्हीकल्स के बारे में बताया, अब बात आ जाती है कि व्हीकल ख़रीदने के बाद सबसे पहला पॉइंट माइंड में ये आता है कि उसकी सर्विस का कैसे मैनेज करना है। तो गाइज सर्विस के लिए हम लोग यहाँ पर सूरज जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, टेक्निकली वेल कनेक्टेड हैं सूरज जी।
तो इनके साथ हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे एंड इसके सर्विस के सेटअप के बारे में समझेंगे। तो सूरज जी, किस तरह से प्लान करते हैं हम लोग सर्विस को, अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है या फिर कस्टमर जो हैं जो आपकी गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, अभी हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, तो उसको सर्विस के लिए अपन किस तरह से क्या बता सकते हैं, तो वो थोड़ा सा आप हमारी ऑडियंस को बताएं प्लीज़। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं स्टार्टिंग से बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। क्या रहता है कि आप व्हीकल अगर परचेस करते हैं उसके बाद आफ्टर सर्विस के लिए अगर बात करी जाए, तो आफ्टर सर्विस में हमारी 4 सर्विसेज फ्री है। फ्री का मतलब एग्जैक्टली फ्री, टोटली फ्री, टोटली फ्री है इसके अंदर। इसका कोई आपको वॉशिंग चार्ज नहीं देना अदर्स व्हीकल की तरह, कोई आपको मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना, 1 ईयर के लिए टोटल फ्री है सर ये। कोई भी अगर रिपेयरबल आइटम आता है तो उसके चार्जेस पे करने हैं। यस सर, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है हमारा। और उसके बाद अगर बात करें आफ्टर सर्विस की, ई व्हीकल्स के ईवी कंसेप्ट में हम चाहते हैं कि हमें सस्ता क्या पड़ रहा है, ठीक है, हमें अच्छा क्या पड़ रहा है। इको फ्रेंडली मॉडल के साथ साथ हमारा सबसे सस्ता मॉडल यही है। तो सर्विस में लाइक किस तरह की इश्यूज वगैरह ज़्यादातर, मतलब मेजरली क्या क्या कंपोनेंट्स ऐसे रहते होंगे जो जिनको सर्विस के लिए या फिर रिपेयर के लिए या फिर अपने को बिल्कुल रिप्लेस के लिए अपने को बात करनी चाहिए, या फिर अपने को ऐसा लगता है कि नहीं टूट फूट ज़्यादा आ सकती है, या फिर अपने पास पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है या नहीं। मेन तो पार्ट्स की बात होती है, कॉम्पोनेंट्स की बात होती है। लाइक अभी कोई भी पार्ट अगर ऐसा होगा, कोई जैसे लाइक अभी जैसे सबसे ज़्यादा जैसे लाइक गाड़ी भिड़ती है तो क्या रहता है कि सबसे पहले उसका मरघट चला जाता है। कई बार अपन ने देखी होगी गाइस, कई लोग ऐसी गाड़ियाँ चलाते हैं, कंटिन्यूसली चलाते हैं, रीज़न बीइंग क्योंकि उन लोगों को पार्ट अवेलेबल नहीं हो पाते। तो अगर मैं एक चांस की बात अगर मैं ये लेके चलता हूँ कि प्लूटो 7G जो कि आपकी मोस्ट रनिंग मॉडल है, तो अगर उस गाड़ी का अगर मान लीजिए कोई कस्टमर आता है कि अभी इसका वो टूट गया है, तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन, कितना टाइम लगेगा? सर हमारे पास टोटली पार्ट्स रेडी टू डिलीवर्ड होते हैं। आप कोई भी पार्ट्स अगर आपका कोई डैमेज होता है तो हैंड टू हैंड हमारा रिपेयरेबल रहता है सर। इसमें कोई भी पार्ट आपका, क्योंकि प्लास्टिक पार्ट्स हमारे पास जो क्वालिटी यूज़ करी गई है वो ABS क्वालिटी है सर। तो इसका मतलब जिस तरह के पार्ट्स आप लोगों के पास, जैसे मान लीजिए जैसे आपके पास गाड़ियों का स्टॉक अवेलेबल है, उसी की तरह क्या आप लोगों को ये स्पेयर पार्ट्स का भी स्टॉक रखना कंपलसरी होता है? यस सर, तो कंपनी नॉर्म्स के हिसाब से सारे पार्ट्स हमारे पास अवेलेबल रहते हैं एनी टाइम सर। ओके, मतलब कंपनी के नॉर्म्स में ही ऐसा है कि अपने को पार्ट सारे अवेलेबल रखने होंगे। सो गाइस, काफ़ी अच्छी पॉलिसी मेरे को ये चीज़ लगी। मतलब क्या गाड़ियों का सेटअप खड़ा कर लेते हैं कई लोग, और मतलब उनके पास सर्विस के नाम पे कुछ बिल्कुल एकदम जीरो होता है, जैसा कि आप लोग कई बार फेस करते होंगे कई इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज़ में। तो गाइस यहाँ पे जैसा कि सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई मिला है हमारे को सूरज जी से, तो ये जवाब मुझे काफ़ी अच्छे लगे इनके कि यहाँ पे पूरा स्टॉक रेडी अवेलेबल है। मतलब आप, मैं तो आपको कहूँगा कि इन केस अगर कुछ भी मिस हैपनिंग होती है तो मतलब सूरज जी बिल्कुल तैयार है। ये चीज़ काफ़ी सही लग रही है गाइस। तो इसी के साथ साथ अच्छा, मैंने एक टूल के बारे में और सुना कि बैटरी का कुछ ऐसा है, समथिंग बैटरी फैराडे करके समथिंग ऐसा कुछ फैराडे है सर। ये एक तरह का टूल है या इक्विपमेंट बोल सकते हो आप। इसमें क्या होता है आपका प्रोसेस, यदि आपका बैटरीज के कुछ सेल्स डेड हो जाते हैं या नॉन वर्किंग कंडीशन में होते हैं, तो इनको हमारे टूल की मदद से उनको रिपेयर करा जाता है, बैटरी की लाइफ इंक्रीज करी जाती है इसके द्वारा। हाँ जी, ये हमारा ऑन पेटेंट करा गया प्योर का आपका खुद का टूल है सर इसमें। तो ये मतलब अभी तक और कहीं पे भी नहीं देखा गया समथिंग ऐसा कुछ आप कहना चाह रहे हो? ऑल ओवर इंडिया ये अभी टेक्नोलॉजी किसी के पास ही नहीं है सर, ये बैटरी फेडरेशन। साउंड्स इंटरेस्टिंग गाइस। तो मतलब कुछ ऐसे टूल्स एंड इक्विपमेंट्स भी कंपनी के पास हैं यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं अपने को, कि जिसमें आपके पास मतलब आपकी बैटरी में लाइक कुछ भी सेल्स को डायग्नोस करने का सिस्टम भी कह सकता हूँ मैं इसको, सेल्स को इक्वलाइजर करने का भी सिस्टम कह सकता हूँ। तो गाइस काफ़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ की जा रही है प्योर में। तो ये सब चीज़ें तो मतलब अपने को मेन तो कस्टमर्स के लिए मेन सब यही चीज़ें होती है। लाइक अगर मैं जो इस गाड़ी के जैसे प्लूटो 7G ट्रांसनियो इन गाड़ी के जो मेजर कंपोनेंट्स के बारे में गाइस अगर अपन लोग बात करें तो उनमें क्या आता है, बैटरी मोटर एंड कंट्रोलर। और मेन पार्ट सबसे ज़्यादा मेजर जो महंगा पार्ट होता है और एक मेन पार्ट होता है वो क्या होता है गाइस, इसकी बैटरी। तो गाइस बैटरी को ही अपन अगर रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कि आप और भी कंपनियों में गए होंगे, आप लोगों ने और भी कंपनियों के एक्सपीरियंस देखे होंगे, आप लोग और भी कंपनीज के मैं कहूँगा रिव्यूज़ देखे होंगे, तो उसमें क्या होता है कि आपने गाड़ी परचेस करी उसके बाद आपने कस्टमर गए शोरूम पे, उनको बैटरी का कुछ भी इशू रहा तो कंपनी बोल देती है कि आपको बैटरी चेंज करवानी पड़ेगी एंड सारा कॉस्ट जो रहता है वो कस्टमर की साइड पर आ जाता है। तो गाइज मतलब यहाँ पे बैटरी रिपेयर करने के भी ऑप्शन मिल रहे हैं,
मतलब इन केस अगर कुछ भी ऐसा होता है, सो बेसिकली अगर इसकी वारंटी देखी जाए तो वारंटी कितने टाइम की रहती है बैटरी की? बैटरी की जो वारंटी रहती है 3 साल 40,000 किलोमीटर की रहती है सर। ओके, यस सर। यदि आप इसे इंक्रीज कराना चाहते हैं, एक्सटेंड वारंटी का ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है, जिसका सिर्फ प्रीमियम जस्ट 2,000 रुपीज़ है। उसमें आपका एक्सटेंड होके 5 ईयर्स आपका एक्सटेंड वारंटी हो जाती है। तो गाइस सूरज जी से बात करके हमें तो हमारे सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं, एंड काफ़ी खुशी हुई कि हम लोग एक सही जगह बैठे हैं एंड सही जगह पे सही प्रोडक्ट के बारे में बात करने कर रहे हैं। तो गाइस आप लोगों के भी अगर कुछ सवाल हो तो मैं चाहूँगा आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने सवाल हमारे तक भेजें ताकि हम उनके जवाब दे सकें। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। सूरज जी से भी हमारी बातचीत काफ़ी सही रही, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी आपके सवालों के जवाब उसमें मिल गए होंगे। तो गाइस वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है बॉस। तो और उसी के साथ साथ अगर आप इस वीडियो को आगे अपने फ्रेंड से शेयर करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। एंड इसी के साथ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप चैनल पर हमारे बिल्कुल नए हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।